भारत बन रहा शक्तिशाली देश तो जलने लगा सात समंदर पार एक देश। बिना ज्ञान के भारत को दे रहा था नसीहत, भारत ने कर दी फजीहत। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने दिया बयान, भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत ने जर्मनी का धागा खोला, कहा बिना जानकारी के ना बोलें। आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कहने को ये तो भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इस पर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। हाल ही में जर्मनी ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे थे, भारत को प्रेस फ्रीडम का सम्मान करने की नसीहत दी थी। अब जर्मनी की सलाह पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दो टूक जवाब आ गया। अरिंदम बागची ने जोर देकर कहा कि बिना जानकारी के बयान देने से बचना चाहिए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उन मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए जो विचाराधीन चल रहे हो। वैसे भी हमारी न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पूरी दुनिया में विख्यात है, ऐसे में बिना जानकारी के बयान देने से बचना चाहिए। बता दें कुछ दिन पहले ही जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा था, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों को उचित सम्मान मिले, प्रेस की आजादी को जगह दी जाए, ये सब जरूरी हो जाता है। पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ है। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। अब मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की बात करें तो उन्हें पिछले महीने 27 को अरेस्ट किया गया था, उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था। दरअसल उनके 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी के लिए अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उनको विदेशों से फंड मिलने का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल ईडी को दी। खैर, भारत ने हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों का सम्मान किया है, लेकिन जो भी देश ये भूल गया कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, तो भारत ने उसे करारा जवाब भी दिया है। ऐसे में भारत के फटकार के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों का सम्मान करेगा और बेवजह ज्ञान नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।